ओके सो आर डे है 30th August और जो है मंडे आज फिर से एक वीक बाद पापा को जो है प्रॉब्लम रात को बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी मैं सरोज के बाहर हूँ तो पापा को जो है एडमिट करवाया था मैंने। ओके सो मैं अभी पीछे आईसीयू से आया हूँ, पापा को थोड़ा सा आराम है और मोशंस नहीं निकले थे मेनली और वो जो है अब अच्छे से हो रहे हैं तो रिलीव है। हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। दुनिया में सब कुछ हो किसी के साथ, हर एक्सपीरियंस देखे, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं अभी देख रहा हूँ वो ना देखे, वो बहुत ये वाला एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है। लास्ट टाइम जब ऐसा शॉट लिया था मैंने तब सब ठीक था, सब नॉर्मल था घर में, ठीक है, प्रॉब्लम्स थी वो भी मैनेजेबल थी, ठीक हो जाती वो भी, लेकिन अब तो सब ख़त्म हो गया। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वही जो है मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा खुड़क जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कर रहा है कि जब मैं पापा को ठीक करके ले आया था घर पे, स्टंट डल चुका था तब भी ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। देखो पापा को अच्छा खासा मैं ठीक करवा के ले आया था, वो बहुत बेटर फील कर रहे थे, जितना जब मैं हॉस्पिटल लेके गया था उतना हार्ट में पेन मतलब कभी नहीं बोल सकता, जब पापा ऐसे कर रहे थे ना अपने लेफ्ट हैंड से क्योंकि उनके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। तो क्या हुआ था, जो उनका बट होल था जहाँ पे हमारा जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पे जो है पापा को मोशन अच्छे से पास नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से जो है पापा को नीचे के साइड हो गया था इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला हो गया था कि उनसे ना बैठा जा रहा था, ना चला जा रहा था, ना लेटा जा रहा था। पापा लेफ्ट साइड करवट लेते थे तो हार्ट में पेन होती थी, राइट साइड करवट लेते थे तो अनकंफर्टेबल सा होता था। तो हिजिन मतलब इतना पेन था उनके बॉडी में जिसकी कोई हद नहीं है, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। सनराइज हॉस्पिटल लेके गया पास वाले और वहाँ पे जो उनका डॉक्टर था राजीव कौशिक, जो कि सनराइज हॉस्पिटल सेक्टर 15 में उनका बोर्ड भी लगा हुआ है बाहर, उनके पास लेके गया लेकिन उन्होंने ढंग से वहाँ पे उनका इलाज नहीं करा, उन्होंने देखा, उन्होंने 3 दवाइयाँ लिखी, वो चले गए। और ये स्टंट डलने के 2 दिन बाद की बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद जो है पापा को मैं घर वापस ले आया लेकिन उनका पेन जा ही नहीं रहा था, उससे घंटा कुछ नहीं हुआ जो उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी। फिर पापा ने जो है उनका एक फैमिली डॉक्टर मतलब उनके होम टाउन से ही आता है उसको भी दिखाया, उसने कहा कि एक बार जो उसने भी दवाइयाँ लिखी लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इंजेक्शन लगाया उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उनका पेन बदतर होता गया। अब जो है मैंने फिर हार के उनको वापस सरोज हॉस्पिटल में जो है रात के 2 बजे कौन सी तारीख को, आई थिंक 30 या 29 में को तारीख है याद नहीं रहती, तो सुन लेना बस मैं बता रहा हूँ वरना मैं रिमाइंड नहीं करना चाहता ये बातें, बस सुन लेना। तो उसके बाद जो है पापा को फिर से रात के 1:30 जो आईसीयू में फिर से एडमिट करा गया क्योंकि पापा की पल्स रेट जो है पेन की वजह से और कुछ भी ना ढंग से खा रहे थे ना कुछ भी निकल रहा था उसके चक्कर में 40 नीचे चली गई थी। तो वहाँ पे हम सारे डर गए थे कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है जबकि स्टंट डल चुका है। फिर हमने वापस पापा को जो आईसीयू में एडमिट करा, जब पापा को वो फिर से आईसीयू में एडमिट करा तो वो ऑलमोस्ट जो है रात को उन्होंने फिर उस पूरी रात को दर्द झेला और उनको जो है सुबह जाके एनेस्थीसिया लगा, जब डॉक्टर आए एनेस्थीसिया लगा तो उनकी थोड़ी मोशन पास हुई, उनको पेन से रिलीफ मिला थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद उनको जो है नॉर्मल वार्ड में जो है शिफ्ट कर दिया गया कि मान के चलो ये ठीक हो रहे हैं और 1 तारीख को उनका डिस्चार्ज था, मतलब एक और दिन एक्स्ट्रा रखा था ताकि उनको उनकी ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब सारे ऑर्गन चेक करे जाए, लेकिन जो क्या होता ना जो होना है होता है वो होता है, मतलब जब मैंने उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवाया मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ वो ठीक कर रहे हैं, तो मैं जो हूँ हॉस्पिटल कम जाने लगा बिकॉज़ मैं मतलब मान के चलो 23 तारीख को पापा को फाइनली एडमिट करवाया था, तब से जो है मैंने चैन से सोया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं सोया था, 1% भी नहीं सोया था मैं, और मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी क्योंकि घर पर भी पापा की जो है केयर करनी पड़ी, पापा 2-3 दिन घर पर रहे हैं। और उसके बाद जो है जब उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा तो मैंने कहा मम्मी आप ज़्यादा से ज़्यादा रहो उनके साथ, और मतलब तब नॉर्मल हो रहे थे, उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, फिर बहन रही उनके साथ काफ़ी टाइम, उसके बाद जो है तुषार मैं बॉय फ्रेंड मतलब जो पहले उनके साथ काम करते थे वो मिलने आए, तो सब जो है नॉर्मल होने लगा, हमें लगा कि सब जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन एक टेंशन पापा को हद से ज़्यादा खा रही थी, वो थी पैसों की टेंशन, जो कि मतलब मान के चलो इतनी ज़्यादा थी उनको कि पैसे का कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, राघव कैसे कर रहा है, इसकी टेंशन उनको जो है अंदर ही अंदर और ज़्यादा खाए जा रही थी। अब आती है 31st का डे,
उस दिन मम्मी पूरा दिन उनके साथ रहती है, सब जो है नॉर्मल हो रहा था नो डाउट। हमने जो है डॉक्टर आया सुबह, उन्होंने जो है डिस्चार्ज के लिए भी बोल दिया था कि आपको कल डिस्चार्ज दे देंगे, आप नॉर्मल हो रहे हो, इन्फेक्शन भी धीरे धीरे कम आ रहा है। और जो है फिर मैं 31st की नाइट पापा के साथ रुका पूरा टाइम, और एक लास्ट को मतलब मैं फिर रात को 1 बजे के करीब वहाँ पे जेल रोड के बिल्कुल सामने चाय वाला है, मैं वहाँ से चाय पीने गया था। तो वो आखिरी कॉल आया था पापा का मेरे पास कि कहाँ है, और बोला था कि ऊपर आके सो, वो लास्ट कॉल था। मतलब मेरे पापा से मेरा ऐसा रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहता था, मतलब जैसे कहते ना हम थोड़े दूर दूर रहते थे, वो 8 बजे आते थे, मैं 8 बजे काम से आता था और 8 बजे ही कॉल आना होता था उनका कि कहाँ पे है, जल्दी आ, घर आ, कब तक आएगा। वो आखिरी कॉल था उनका, मैं कभी नहीं भूलूँगा। 1 बजे के करीब आया था मेरे को, और फिर वो आखिरी कॉल जब आया था, जब मैं ऊपर गया, मैं 1 घंटा देखा कि पापा सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं। जब वो चैन से सो रहे थे तब मैं भी जो है मेरी भी आँख लग गई, बिकॉज मैं इतने टाइम से भाग रहा था, मैं भी चैन से सोया नहीं था, 2-3 घंटे की नींद मिल रही थी, तो मैं भी वहाँ पर मेरी आँख लग गई। अब मैं जो हूँ सुबह जस्ट उठा हूँ, यानी 1 तारीख की सुबह 5 बजे मैं जस्ट उठा हूँ, पापा ने जो है पीने का पानी दे एक गिलास, मैंने पानी दिया, मैंने कहा पानी एकदम से, कहते मैंने दवाई ली है। अब वो दवाई उन्होंने ली थी मोशन की दवाई, अब सुबह 5 बजे वो दवाई नहीं लेनी थी, वो रात को लेनी थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। लेकिन उनको टाइमिंग का कुछ नहीं पता था, वो सो के उठ रहे थे सो रहे थे, तो उन्होंने जो है मोशन की दवाई जैसी ली, मतलब साइड में रखी थी उनके, वो पंप वाली होती है ना, वो ऊपर ऑलरेडी पंप था, और उन्होंने सुबह सुबह मोशन की दवाई ले ली। उसके कुछ 15 मिनट बाद पापा को जो है बेड पे ही मोशन आ गई। अब वो मोशन कब आई मिना ही मेरे को पता चला ना पापा को पता चला, पापा कहते मेरे को अचानक से क्या हो गया अचानक से ये। और उसके बाद उसके साथ साथ उस मोशन में जो है पस भी बाहर आई, जो कि पापा की बट होल के साइड में हो रखी, वो कमज़ोरी ऐसी हुई कि मोशन रुक ही नहीं रहे, आए जा रहे, कभी वॉशरूम जा रहे कभी वहाँ पे जा रहे, बेचैनी हो गई इतनी ज़्यादा, बॉडी में वाटर था नहीं, खाना वो ढंग से खाते नहीं थे, इवन हॉस्पिटल में उन्होंने खाना लौटा दिया था 1 दिन पहले, कहते मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, घर जाके खाऊंगा खाना अच्छे से। तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे वाटर ब्लॉकेज जो होता है बॉडी का, जो खून बनाने में हेल्प करता है, जो सारी बॉडी के फंक्शन में काम करता है, वो भी निकले जा रहा था, पानी उनसे पिया नहीं जा रहा था। और उसके चक्कर में क्या हुआ, उनको फिर से हमने जो है सुबह सुबह CCU में शिफ्ट करवाया, क्योंकि जो है उनका हार्ट का पेन वापस आ गया था, खून गाढ़ा होता जा रहा था। फिर वहीं पे उनका एक्सरे हुआ, मैं एक्सरे के लिए लेके गया, CCU में शिफ्ट करवाया तो मैं उनके साथ था। उसके बाद पापा क्या बोलते हैं, उनका हार्ट का पेन फिर वैसा ही वापस आ गया जैसे मैं उनको लेके गया था, वो फिर से वो मेरे दर्शन नहीं बोलूँगा, वो फिर से ऐसे ऐसे करने लगे थे। तो जब वो ऐसे ऐसे करने लगे थे तब मैं समझ गया था कि भाई साहब ये तो फिर वही चीज़ें हो गई हैं, और स्टन क्या ही कर लेगा जब बॉडी में खून इतना गाढ़ा हो जाएगा, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा। तो उनको CCU में शिफ्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट्स आई और शाम तक रिपोर्ट्स आई, और उसमें पता चला पापा की दोनों किडनियाँ भी फेल हो गई हैं ऑलमोस्ट, मतलब 10% भी वर्क नहीं कर रही हैं, उससे कम ही कर रही हैं। पापा को ना ही मोशन आ रहा था ढंग से, ना ही पापा से पानी पिया जा रहा था, ना ही पापा से जो है यूरिन निकाला जा रहा था, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा था पापा उनसे। उसके बाद जो है डॉक्टर ने तो मेरे को जो है टू बी वेरी और सुबह जवाब दे देते, बेटा ये जो मामला होने वाला है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, तो बी रेडी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखा हुआ था कि हो जाएगा, लेकिन जब वो रिपोर्टें आई शाम को कि किडनियाँ फेल हैं ये वो, डायलिसिस के लिए बोल रहे थे, डायलिसिस के लिए मैंने मना कर दिया था तभी, क्योंकि बॉडी में खून ही नहीं है यार, कुछ है ही नहीं अंदर बॉडी में, डायलिसिस और करवा लो। और जब डॉक्टर आए उन्होंने भी यही बोला कि बेटा अगर आप डायलिसिस के हाँ कर देते और अगर ये डायलिसिस कर देते तो आपके पापा वहीं पर ख़त्म हो जाते। तो लेकिन फिर क्या हुआ, मैं रिपोर्ट्स दे के आया, पुरानी रिपोर्ट्स मैंने हॉस्पिटल में सबमिट करवाई, उन्होंने मांगी थी, और वही 7:30 के करीब मैं तुषार के साथ गया था हॉस्पिटल, मैंने जो है पापा को देखा था, मतलब थोड़ा सा झाँक के, क्योंकि CCU में जाने नहीं देते, मैंने थोड़ा सा झाँक के देखा था पापा इधर ऐसे हाथ रखा था पापा ने छाती पे, और पापा इधर उधर देख रहे थे क्या चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, आई थिंक ये नॉर्मल हो रहे हैं, अगर मेरे को पता होता ऐसा कुछ होने वाला तो मैं वहाँ से जाता ही नहीं, मैं हिलता ही नहीं। तो मैंने उनको देखा हुआ ऐसे हाथ रख के इधर उधर देख रहे हैं, वो मतलब वो ऐसे ऐसे देखना मेरे को अब सामने आ रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कब मेरी फैमिली वाले मेरे से मिलने आएंगे, और मैं
रिलीज हूँ, रिलीफ हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे को बोला गया कि 9:30 बजे तक डॉक्टर आएंगे। फिर मैंने एक चक्कर 8:30 बजे भी लगाया, मतलब मैं अपने घर के पास ही था, मैं ज़्यादा दूर नहीं था और मैं घर पे भी नहीं गया था, मैं आसपास चक्कर लगा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था और मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकता एक ही टाइम पे, वरना मेरे को कुछ हो जाता। उसके बाद जो है 9:30 बजे डॉक्टर आए। मैंने अपनी बहन को बोला था पहले से कि अगर जैसे डॉक्टर आएगा मेरे को जो है कॉल कर दियो, मैं सीधा आ जाऊँगा, मैं घर के पास हूँ, मतलब मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ कि फटाफट आ जाऊँगा। लेकिन तब मेरे को किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। मैंने जो है 9 मिनट बीत चुके, मतलब 9:30 हो गया तब मैंने कॉल करा कि डॉक्टर आ गए हैं, कॉल नहीं करा है तुमने मेरे को। तो डॉक्टर आ गए थे और मैं जो हूँ ऊपर गया, तो जैसे बारिश आ गई थी तो मैं नीचे आ गया। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बात यहाँ पे ये जाती है, मैं ऊपर जाता हूँ। पहली बात तो बात कॉन्वर्सेशन चल रही होती है मेरी बुआ, डॉक्टर और मम्मी के बीच में, ठीक है। मैं वहाँ पे मतलब घुसा था, डॉक्टर आ रखा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बात चल रही है। मतलब डॉक्टर इधर से उधर भाग रहा था, मम्मी उनसे बात कर रही थी, पता नहीं पापा से बात कर रही थी, डॉक्टर से मेरे को याद नहीं है, बुआ डॉक्टर से बात कर रही थी, मम्मी से मेरे को ये भी याद नहीं है, क्योंकि मैं दूर से सीधा जा रहा था पापा की तरफ। अब मैं पापा की तरफ जा ही रहा था, डॉक्टर ने जो है मेरे को बात करने के लिए बुला लिया। मैं वहाँ पे मुड़ा वैसे ही पापा की चीख आई, मतलब दर्द की चीख आई, उन्हें हाथ ऐसे कर रखा था। मैं समझ गया कि वही वाला पेन है जब मैं इनको पहली बार हॉस्पिटल लेके गया था, ये एग्जैक्ट वही पेन है। अब मैं फिर पापा की तरफ जा रहा था, पापा ना उठ रहे थे, मतलब ऐसे उठ रहे थे और वो थाट बेड पे जो है मेरी आंखों के सामने जो है सीधा पड़े, मतलब ऐसे मतलब लेटे हुए हैं एग्जैक्ट यहाँ से वो उठ रहे थे यहाँ पे हाफ में पहुँचे थाट नीचे। और वो मोमेंट इतना गंदा था मेरे लिए, मतलब वो मेरे को सारी ज़िंदगी याद रहेगा, मेरी आंखों में रहेगा, क्योंकि आई कैंट टेल यू कि वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, आज तक का सबसे वर्स्ट था। कि मतलब जितने भी मोमेंट हैं, जितनी भी बुराइयाँ हुई हैं, वो मोमेंट बहुत गंदा था। फिर इमिजिएटली डॉक्टर उधर थे तो उन्होंने जो है चेस्ट पे जो पम्प देते हैं वो देना स्टार्ट करा सबने। और मम्मी तो मतलब जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे बेड था और यहाँ पे जो टेबल थी, डॉक्टर टेबल ना जहाँ पे बैठ के वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, तो वो उधर चली गई थी और वो बैठ गई थी ऐसे करके, एंड शी टोटली लॉस्ट। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं हिला नहीं, मेरी बुआ खड़ी रही, बुआ भी हिली नहीं, मतलब वही बात है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिला वहाँ से। मैंने अल्लाह को आवाज़ लगाई कि मैं इतना नाम लेता हूँ आपका, मैंने भगवान को आवाज़ लगाई, मैंने जो है इवन मैंने जीसस को आवाज़ लगाई, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और मतलब वो कोशिश करते रहा, हार्ट में 2 इंजेक्शन लगाए उन्होंने ताकि हार्ट पंप हो, लेकिन 15 मिनट सब करने के बाद तब करा उन्होंने, कॉन्टीन्यूसली पंप करते रहे और उन्होंने सारी दवाइयाँ लगाई वो जितनी लगा सकते थे। साथ में फार्मेसी थी तो उन्होंने सारी दवाइयाँ लगा दी जितनी लगा सकते थे, मेरे सामने की बात है। उसके बाद मेरे को उन्होंने जो है आके बोल दिया डॉक्टर ने कि इज़ नो मोर। मैंने कहा प्लीज़ आप शॉक लगा के ही ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि उनकी जान पहले भी शॉक की वजह से, जब उनको स्टन डल रहे थे तब उनको जो है 2 शॉक लगे थे जिसकी वजह से उनका हार्ट रिवाइव हुआ था। मैंने बोला आप एक बार शॉक लगा के देख लो प्लीज़, क्या पता हो जाए। लेकिन वहाँ पे जो है शॉक भी मेरे सामने लगे, 4 शॉक लगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर मेरे तरफ आए बहुत सरलता से और उन्होंने बोला कि मम्मा को बता दो इज़ नो मोर, और वो मोमेंट आ गया मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं डर रहा था। मैंने बोला कि आप अपनी बेटियों के साथ लाइफ जी ली 28 साल, आप मेरे साथ जीने के मोमेंट आए आपके, मैं ठीक हुआ हूँ अभी एलर्जी से, अब मेरे को थोड़ी समझ वमझ आने लगी है, मोमेंट्स याद रहने लगे हैं, तो लेट्स लिव टुगेदर। मैंने पापा को हर बार ये समझाया, मेरी उनसे लड़ाई नहीं होती थी, पर मैं हमेशा उनको समझाता था जैसे वो ऑफिस से आते थे, क्योंकि वो ऑफिस की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, वो मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे। मैंने तो उनको टेंशन फ्री कर रखा था कि मैं ना कुछ मांगता था, मैं इवन एडवेंचर लेके आया मैंने, तब उनसे एक पैसा नहीं मांगा।
तो मैं उनको परेशान नहीं करता था पैसों के चक्कर में। राइड पे ऐसा होता था जो कि मेरे को पल हमेशा याद रहेंगे कि राइड पे वापस आते हुए मेरी जेब ऑलमोस्ट खाली हो जाती तो मैं उनके कार्ड से स्वाइप करवा लेता था। दो मतलब आने दो दो लीटर मतलब दो टैंक पेट्रोल ही लगता था हमेशा उनके मेरी हर राइड पे, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि कुछ सेव कर ले तो वापस जाके भी थोड़ा लगेगा पैसा, तो मतलब सर्विस वर्विस में बाइक की। तो इन दी एंड वो रहा, ही इज़ नो मोर विद मी। आज तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फैमिली में सबसे ज़्यादा उनसे मैं ही प्यार करता था, उतना प्यार कोई भी नहीं करता था। और इवन बहुत कम लोग थे, उनका नेचर थोड़ा ऐसा था। आप लोग अगर पुरानी वीडियो देखो, उनका नेचर थोड़ा ऐसा था कि वो गुस्से वाले रहते थे और वो थोड़ा अपने में रहते थे, इंट्रोवर्ट थे वो बहुत ज़्यादा। तो जितना मेरे से खुले थे वो किसी से नहीं खुले हुए थे। और मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा एक मोमेंट, एक कहीं पे हमारी लड़ाई हो गई थी, मतलब कहीं पे पापा और मैं जा रहे थे और उन्होंने मेरे को सीधा ये वर्ड बोला था, तुझे मैं अपना बेटा नहीं, तुझे मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। वो वर्ड्स मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं जा नहीं रहा था उनके साथ, लेकिन उन्होंने ये वर्ड्स बोले तो मैं बाइक पर बैठा था। तो अब वो सारी चीज़ें तो मेरे को सारी ज़िंदगी याद आनी है, अब तो यादें ही रह गई और कुछ नहीं बचा। दुनिया कह रही है स्टे स्ट्रॉन्ग, आई एम द सन ऑफ संजय कटारिया, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। हार्ट का पेन दो दिन तीन चार दिन तक ऐसे ही झेल गया, और जब मोमेंट आया स्टन डलवाने का तब भी कह रहा मैं ठीक हो जाऊँगा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड ही डिड एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली। लास्ट में थोड़ा खफा थे फैमिली से, इसलिए उनका जीने का मन भी नहीं करता था, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा डर गए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे एक और बेटी की शादी करूँगा, कैसे सब चीज़ें होंगी। तो वो उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी, उनकी जीने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। और एक विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो आपको कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए उससे जो है ठीक कर देगी। अब प्रॉब्लम सारी ये हुई मेरे को, जिस बात का हद से ज़्यादा गिल्ट है कि मैं उनको ठीक करके ले आया था तब भी मैं उनको नहीं बचा पाया। एक रात पहले वो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने मेरे को कॉल करा, सब ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो है मैं उनको नहीं बचा पाया। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई भी है तो गाइस बी अवेयर, ध्यान से दवाइयां देना उनको, क्योंकि दवाइयां एक ऐसी चीज़ होती है, वो ड्रग्स ही होते हैं एक तरीके से, जो चीज़ें आपको बना भी सकती हैं, मतलब ठीक भी कर सकती हैं और आपकी पूरी बॉडी लेके भी जा सकते हैं। एक वो मोशन की दवाई लेना इतना भारी पड़ गया, मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को गिल्ट नहीं दे सकता उस चीज़ का, क्योंकि वही बात है, अगर मैं गिल्ट पे बैठूँगा कि मैं रोक लेता ये कर लेता तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, फिर मैं सारा टाइम सैड रहूँगा। जो फैमिली बची है, मतलब बॉडी तो उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा ख़त्म कर ही ली थी, मतलब लंग 60% गए हुए थे, किडनियाँ दोनों चली गई, और उसके बाद बचता ही क्या है बॉडी में जब इतनी मेन ऑर्गन जो है फेल हो जाए। तो मैं लास्ट में इतना बोलूँगा, रेस्ट इन पीस पापा, आई लव यू फॉर एवर एवर। मतलब बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता एक बेटे की लाइफ में, और ये बात भी उसको तब समझ में आती है जब बाप चला जाता है। वो जहाँ भी हैं खुश रहें, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे उनके काम अच्छे से कर दूँगा, एक भी काम पीछे नहीं होने दूँगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को इमोशनली सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच जो हर समय पूछते रहे पापा कैसे हैं, हर समय मेरे साथ खड़े रहे, हर समय जो है मेरे को मेरी बैक लेते गए। कुछ स्पेशल बंदों के नाम लेना चाहूँगा, थैंक यू सो मच प्रिंस भैया, थैंक्स अ लॉट, आप एक तरीके से मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि मेरे जो एक कज़न भैया नहीं खड़े हुए तब जब मेरे को उनके सबसे ज़्यादा नीड थी, मरने पे तो हर कोई आ जाता, जब मेरे को उनको बचा रहा था तब कोई खड़ा नहीं हुआ आपके अलावा। थैंक्स अ लॉट आर्यन फॉर एवरीथिंग, मैं तो होश में ही नहीं था, मेरे से कुछ होता नहीं था। तुषार और पूरी आरवी गैंग, मनन, सारे के सारे मिलने हैं, बट इन दी एंड जो होना है तो वो तो होना है। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा वीडियो को, काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि मतलब स्टंट डलने के बाद भी क्या हो गया। स्टंट डलने के बाद ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और मैंने रखा, बट स्टिल अब जो उन्होंने अपना इतना बुरा हाल कर ही लिया था तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक वादा देता हूँ आप लोगों से, मैं कभी किसी गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को गंदी चीज़ करने से कभी प्रमोट नहीं करूँगा। लोगों से वादा है, ये मेरा खुद से वादा है, और ये सोसाइटी से मेरा वादा है, गाइज डोंट डू दिस थिंग्स।
बिकॉज अभी तो आपको बहुत चिल मिलता है, आपको बहुत मज़ा आता है, बट आगे चल के आप जब अपनी, या तो छोड़ दो, फैमिली बनानी नहीं है आपको, आपको अकेले रहना सारी ज़िंदगी, करो जो जो भुगतोगे वो आप भुगतोगे, लेकिन आपके अगर ऐसे नवाबियों वाले शौक़ है तो आपकी फैमिली बहुत सर्वाइव करेगी इन फ्यूचर, और आपके जो है बच्चे, जैसे मैं हूँ, अपने पापा का बेटा हूँ मैं सर्वाइव कर रहा हूँ अभी, मैं करूँगा सर्वाइव, ऑफ कोर्स बात है, मेरी मम्मी सर्वाइव कर रही है, बहनों को तो खैर छोड़ो, एक बाप मिल गया है उसको, मेरी बहन को, उसको एक पति का सपोर्ट भी है, इसको भी मिल ही जाएगा, जो मेरी बहन अभी जिसकी शादी होगी अभी फ्यूचर, मेरे सर से हमेशा के लिए एक बाप का साया उठ गया। चलो पीस आउट, इमोशनल नहीं करते हैं, बाकी आई लव यू डैड, यू गॉन टू सून, अभी तो हमें बहुत चीज़ें करनी थी, बहुत कारनामे करने थे, बाय, पीस आउट, रो नहीं रहा क्योंकि मेरे आंसू होता हूँ।